गुम है किसी के प्यार में सीरियल में अब तक आपने देखा कि सभी ईशान से कहेगी कि शादी झूठी है तो स्कॉलरशिप क्यों कैंसिल की जा रही है। वो कहेगी कि वो राव साहब को सच बताने जा रही है कि जिस दिन ताई को होश आएगा वो चली जाएगी। ईशान सभी को हाथ पकड़कर घर चलने को कहेगा। इस बीच वहां पुलिस आ जाएगी, वो ईशान पर डंडा उठाएगी, सभी पुलिस को रोक देगी, सभी पुलिस को बोलेगी कि ईशान उसका पति है। पुलिस चली जाएगी, सभी रोने लगेगी, ईशान उसे चुप कराएगा और कहेगी कि स्कॉलरशिप बहुत मायने रखती है। सभी बोलेगी कि उसने खून पसीना एक करके स्कॉलरशिप पाई है। सभी बोलेगी कि किसी भी कीमत पर स्कॉलरशिप नहीं छोड़ेगी। ईशान समझाएगा कि बोर्ड मेंबर्स उसकी बात सुनकर रूल नहीं बदल देंगे। ईशान बोलेगा कि सिर्फ खानदान की बदनामी होगी। ईशान समझाएगा कि काका साहब रिसेप्शन की बात कर रहे हैं। वो बोर्ड के सामने कहेगी कि शादी झूठी है तो सब कहेंगे कि भोसले फैमिली कितनी अजीब है। ईशान कहेगा कि उसकी शादी वैसे ही परिवार गले की फांस बनी हुई है। ईशान सभी से कहेगा कि उसके पास एक तरीका है। उधर घर पर दुर्वा और अनवी को अक्का साहिब बुलाएंगी, कहेंगे कि ईशान के रिसेप्शन की तैयारी वे दोनों ही करेंगी। दुर्वा कहेगी कि वो ये सब नहीं करना चाहती। अनवी भी कहेगी कि अभी तो सारी तैयारियां रीवा के लिए थी, अब सभी के लिए करेंगी तो रीवा को बुरा लगेगा। अक्का साहिब बोलेंगी कि ये सब सभी के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं। अक्का साहिब कहेंगी कि गुड न्यूज़ ये है कि सभी की स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है, रीवा चौंकेगी, दुर्वा खुश होगी। ईशान सभी को चेक देगा। सभी बोलेगी कि वो फीस क्यों दे रहा है। ईशान कहेगा कि वो उसका पति है। सभी गुस्सा करेगी और कहेगी कि ये शादी समझौते की है, वो पैसे नहीं ले सकती। ईशान बोलेगा कि उससे शादी की वजह से स्कॉलरशिप गई, उसका मुआवजा समझकर सभी को चेक लेना चाहिए। सभी कहेगी कि उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वही है, किस किस चीज़ का मुआवजा दोगे।